दिशा निर्देश यही रहते हैं केंद्रीय नेतृत्व और राज्य इसके स्तर पे कि जो भी योजनाएं जो भी काम सरकारों की तरफ से किया जा रहा है वो हर उस जनप्रतिनिधि का काम है कि बेहतर से बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। और ऐसे ही कुछ कार्य होते हैं जिस पर वो अपना रिपोर्ट कार्ड हर सांसद का तैयार करवाते हैं और इन्हीं कुछ चीजों में बताया जा रहा है कि जहां पर फिट होते हुए वीरेंद्र सिंह मस्त नजर नहीं आ रहे थे और उसकी जो थोड़ी बहुत नाराजगी भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच से भारतीय जनता पार्टी को महसूस हुई। तो लिहाजा आप समझ नीरज शेखर साफ सुथरा नाम पॉलिटिक्स में अभी तक किसी भी तरह से विवादों से जुड़ा हुआ नहीं, बेहतर तरीके से काम और अपने प्रोडक्टिविटी दर्शाते हुए नजर आते हैं, अलग अलग मौके पर दिखते हैं और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी जब कई सारी चर्चाएं होती हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर भी सारी चीजें बेहतर नजर आती हैं। तो नए चेहरे के साथ वहां पर इस बार बलिया से जो है वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटने के साथ नीरज शेखर को मैदान में उतारा है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जहां जहां जैसे ही किसी भी सांसद को लेकर के नाराजगी से जरा से भी किसी क्षेत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तो को खबर भी लगती है तो सबसे पहले अपने वो जो वर्तमान के सांसद हैं उनके बारे में सारी जानकारी जुटाने के बाद अगर किसी भी तरह से नाराजगी इतनी ज्यादा है कि वहां के लोग उसको पसंद नहीं कर रहे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है और यही कुछ वो बड़े फैसलों में है कि रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटा है, दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कटा है, ये सब सिटिंग सांसद हैं, अभी वर्तमान में सांसद इन सबका टिकट काट दिया है, नए प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। तो एक बड़ी चुनौती भी है बड़े चेहरों के साथ भी सामान्य चेहरों के साथ। बिल्कुल शुभम लौटेंगे आपके पास और मानवेंद्र का भी रुक कर लेते हैं जो प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ गए और सुशांत भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले मानवेंद्र आपका रुख यहाँ पर कर लेते हैं और रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट कर अब नीरज त्रिपाठी पर भरोसा जताया गया है, ये मुकाबला ये जो दाव खेला गया है बीजेपी की तरफ से किस तरह से देखा जाए? जी देखिए, रीता जोशी का टिकट काटा गया है इलाहाबाद लोकसभा सीट से और फूलपुर लोकसभा सीट से केशरी देवी पटेल का टिकट काटा गया है। तो दो जो महिला सांसद थी वो दोनों उनका टिकट काटा गया है और इलाहाबाद लोकसभा सीट से रीता जोशी की बजाय नीरज त्रिपाठी को दिया गया है जो पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी के सुपुत्र हैं और पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी आखिरी समय में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए गए थे, उसके पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष थे तो पार्टी में उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। लेकिन जिस तरह से नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया इलाहाबाद लोकसभा सीट में, क्योंकि 3 लाख से ज्यादा वहां पर ब्राह्मण हैं उस लोकसभा सीट में और ये माना जा रहा था कि कोई ब्राह्मण कैंडिडेट ही आएगा, लेकिन तमाम दावों के बीच में नीरज त्रिपाठी जो कि राजनीति में उतने सक्रिय नहीं दिखाई दिए किसी बीजेपी के बड़े कार्यक्रम में, किसी भी कार्यक्रम में वो नहीं दिखाई देते, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडिशनल अपर महाधिवक्ता यानी एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं उनको टिकट दिया है, पार्टी ने उन पर भरोसा किया है। तो एक तरह से केशरीनाथ त्रिपाठी जो पुराने भाजपा नेता रहे हैं बिल्कुल, और मान लीजिए अब यहाँ पर देखना होगा कि नीरज त्रिपाठी इस भरोसे पर किस तरह से खरा उतरते हैं। और एक बार फिर से गाजीपुर का रुख कर लेते हैं जो हमारे संवाददाता सुशांत भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सुशांत, पार्श्वनाथ राय पर भरोसा बीजेपी की तरफ से जताया गया है जिनका मुकाबला अफजाल अंसारी से, किस तरह से देखें इस स्ट्रैटेजी को इस समीकरण को? देखिए, पार्श्वनाथ राय जो पहले संघ से जुड़े हुए थे फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए रहे और मनोज सिन्हा जो कि पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री के काफी करीबी माने जाते रहे हैं, पार्श्वनाथ राय जो कि गाजीपुर के मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज के यहां पर प्रबंधक हैं और एक तरीके से जो शैक्षणिक यहां पर स्तर है उस पर काफी जोर देते हुए पार्श्वनाथ राय देखे गए हैं और शैक्षणिक संस्थानों में उनका काफी दखल रहा है गाजीपुर में, और चूंकि संघ से भी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और साथ में मनोज सिन्हा जो कि यहां पर पूर्व सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, मनोज सिन्हा का एक गढ़ कहा जाता रहा है, तो मनोज सिन्हा के काफी करीबी रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी ने इस बार पार्श्वनाथ राय पर अपना जो विश्वास है वो जताया है। हालांकि गाजीपुर की बात की जाए तो अफजाल अंसारी से उनकी टक्कर होगी ऐसा माना जा रहा है कि अफजाल अंसारी इसमें सिटिंग